हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? और मैं आज आपके लिए वीडियो एक और लेकर के आया हूँ। तो आज का जो वीडियो है फ्रेंड्स, मैं बता दूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जो वीडियो है, आई होप जिनको पता होगा वो वीडियो को मैं हमेशा की तरह बोलता हूँ कि आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि जिनको पता है वो वीडियो देख करके क्या करेंगे। बट जिनको नहीं पता है तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट एंड तक देखना है, तब जाके आपको पता चलेगा कि क्या है, कैसा है, रिजल्ट निकला कि नहीं निकला। तो चलिए देर ना करते हम इंट्रो कराते हैं कि एक हमारे पास जियो का फ़ोन है, जो कि फ्रेंड्स मैं बता दूँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। मैं यहाँ पे देखेंगे सिम लगी हुई है, फिर भी कोई सिम का डिटेक्ट नहीं हो रहा है। या तो क्या होता है फ्रेंड्स कि सिम ब्लिंक करता है, लाइनें नेटवर्क दिखाता है और लाइनें ब्लिंक करती रहती है। तो आज मैं यही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, जो कि एक जियो का फ़ोन है। मैं अभी दिखाऊंगा फ्रेंड आपके सामने इसमें सिम लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, और इसमें जो प्रॉब्लम आता है, एक प्रॉब्लम और होता है, आप देख सकते हैं जो इसकी IMEI है वो नल हो चुकी है, 0-0 हो चुकी है। तो ये सारे रीजंस होते हैं, इसके वजह से हमारा जो सिम डिटेक्ट नहीं करता है, हमारा जो नेटवर्क नहीं आता है, या तो नेटवर्क दिखाता है ब्लिंक करता रहता है। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ आपको दिखाने वाला हूँ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा फ्रेंड्स। तो ये आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, ये कैसे करना है सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए मैं यहाँ पे दिखा दूँ कि इसमें सिम लगा भी है कि नहीं लगा है। मैं डायरेक्टली आपके सामने ही खोल रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इसमें सिम भी लगी हुई है और यहाँ पे हमारा काम नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स चलिए मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि ये हमारा वर्क प्रॉपरली कर रहा है कि नहीं। ये Jio 220 मॉडल है, 220B और F220B ये मॉडल है, और इसको हम आपको करके प्रॉपरली तरीके से दिखाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को बने रहें और हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि आपने देख लिया है, आपको हमने यहाँ पे दिखाया ही था, प्रॉब्लम्स के बारे में हमने इसको आपको बता दिया है फ्रेंड्स। तो अब हम इसको फ्रेंड्स आपको इसका स्टेप बाय स्टेप करके देखेंगे। आप भी फ्रेंड स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करेंगे तभी जा कर के आप सक्सेस होंगे, नहीं तो आप फ्रेंड सक्सेस नहीं होंगे। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको हमने बता ही दिया है क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी चीज़ें हम आपको स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। अगर कोई भी आप स्टेप मिस करते हैं तो आप ये काम नहीं कर पाएंगे। और मैं इसको लास्ट में आपको बताऊंगा, इस बिल्ली आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा कि इसकी फाइल आपको कैसे मिलेगी। उसके लिए आपको लास्ट तक जाना होगा और लास्ट में ही आपको पता चलेगा कि इसकी फाइल आपको कैसे मिलेगी। तो चलिए मैं यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे प्रोसेस को स्टार्ट करता हूँ। तो इसके लिए आपको पता ही है, क्योंकि आप पहले से भी काम कर रहे हैं, तो मुझे और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि फ़ाइल कौन सा चाहिए, टूल कौन सा चाहिए। मेन यहाँ पे मसला है फाइल का, क्योंकि ये फ़ोन जो था फ्रेंड्स, मैं बता दूँ आपका डायग्नो सपोर्ट नॉर्मल तरीके से ऑन नहीं होता है। तो इसके लिए आपको एक फ़ाइल को फ्लैश करना होगा, जिससे कि इसका डायग्नो सपोर्ट ऑन हो जाएगा। और जैसे डायग्नो सपोर्ट ऑन हो जाएगा तो आप यहाँ पर बहुत ही सिंपली तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो चलिए हमें इसको सबसे पहले फ्लैश करना है, जो कि हम आपको फ्लैश फाइल दिखा दें। ये इसकी फ्लैश फाइल है फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा दूं, ये इसकी फ्लैश फाइल है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी फ्लैश फाइल। अब इसकी फ्लैश फाइल आप यहां पे देख सकते हैं, और यहां पे इसकी फाइल है, ये इसकी फाइल है फ्रेंड्स, और यहां पे सारी चीज़ें आपको यहां पे मिलने वाली हैं। और यहां पे देख सकते हैं इसका टूल भी आपको मिल जाएगा, अगर आपको टूल नहीं पता है तो आप स्टैक करके इसको टूल को भी रन कर सकते हैं। यहां पे आपको इसके फ्लैशिंग के बाद आपको यहाँ पे इसकी जेनुइन IMEI को राइट करना होगा, तो ये आपके उसके लिए टूल भी मिल गया है यहाँ पे फ्रेंड्स। और उसके बाद अगर आपके पास ड्राइवर भी नहीं है तो आप यहाँ से करके आप ड्राइवर को 9008 ड्राइवर को चला सकते हैं। तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए, हमारे पास ड्राइवर भी है टूल भी है, तो हम क्यूफील या QPST को हम ओपन करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये थोड़ा सा वीडियो लंबा है। प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तब जाके आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आने वाला है। कुछ भी चीज़ तब समझ में आएगी जब आप उसको लास्ट तक देखेंगे फ्रेंड, तभी आपको समझ में आने वाली है, नहीं तो नहीं आएगी। और मैंने ये साइड में खोल कर रख लिया है, और उसके साइड में भी आपको एक डिवाइस मैनेजर को भी खोल कर रख लेना है, जिससे कि फ्रेंड्स आपको ये पता चलेगा कि हमारा पोर्ट बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पे खोल के रख ली है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब उसके बाद सिंपली हमने फ्लैट बिल्ड पे जाना है, ब्राउज पे जाना है। अब जहाँ पे आपने फ्रेंड्स फ़ोन को फॉर्मवेयर को रखा हुआ है, वहाँ पर आपको जाना है। तो हमारा डेस्कटॉप में है, हम डेस्कटॉप में जाएंगे, डेस्कटॉप में हमने फ़ाइल को रखा हुआ है, ये हमारी फ़ाइल है। अब इसमें फ़ाइल के बाद हमें फायर हाउस देना है, तो फायर हाउस फाइल देंगे फ्रेंड्स, ये हमने फायर हाउस दे दिया है। ये जो सोल्यूशन मैं दे रहा हूँ फ्रेंड्स, ये आपको बहुत मार्केट में आ रहा है, आप पहले से भी जानते हैं तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, पर वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तभी जाके समझ में आएगी। ये जो काम है केवल और केवल फाइलों का है, आप फ्रेंड्स फाइल नहीं होगा तो आप काम नहीं कर पाएंगे। तो इसमें आपको रॉ देना है, फिर उसके बाद आपको पैच देना है। रॉ और पैच हमने कम्प्लीटली दे दिया है, अब फ़ोन को हमें कम्प्लीटली
ओके हो गया है। अब इसे हमें फ़ोन को कनेक्ट करना है, तो फ़ोन की एक बार बैटरी हम निकाल लेंगे और इसका जो स्टार हैज है इसको आपको प्रेस करना है फ्रेंड्स। अब यूएसबी केबल को इन करना है, तो मैं स्टार और हैज दबा करके आपके सामने लाइव ही कर रहा हूँ। मैंने ये थोड़ा सा ब्लिंक होगा, ये देखिए आपने ब्लिंक देखा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्राइवर हमारा शो हो गया है, तो हम फ़ोन को साइड में रख देते हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे जो ड्राइवर है वो भी 9008 ड्राइवर क्यूडी लोडर हमारा बन गया है। अब सिंपली हमें कुछ भी नहीं करना है, डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। ये आपको एक बार वन टाइम फ्लैश करना है फ्रेंड, क्यों? क्योंकि आपका डायग्नोस पोर्ट ऑन करने के लिए। तो फ्रेंड्स अब इसके बाद का प्रोसेस हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे ही बताएंगे, बट अब ये हमारी थोड़ा सा ये चलेगी, फ्लैशिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है फ्रेंड्स। ये हमारा फ्लैशिंग चल रहा है, 2% हो चुका है। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको प्लीज़ अच्छा लग रहा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जब तक फ्रेंड्स ये हमारा हो रहा है तब तक एक छोटा सा अपडेट भी कर दिया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। तो मैं यहाँ पर आपको छोटा सा एक अपडेट देना चाहूँगा फ्रेंड्स कि अगर आपने हमारे चैनल में अभी तक नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। तो सब्सक्राइब करने के लिए आप हमारे चैनल को तो देख ही देख रहे हैं, पर फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि आपको क्या करना है। आप YouTube में तो हैं ही, ऑलवेज हैं, आप इसको YouTube में जा करके आप स्मार्ट टेलीकॉम भी लिख सकते हैं, तो इंडिया का सबसे पहले आपका मेरा ही चैनल शो होगा। अगर स्मार्ट टेलीकॉम लिखते हैं फ्रेंड्स तो हमारा सबसे फर्स्ट में, जो कि मैं आपको यहाँ पे, क्योंकि फ्लैशिंग चल रही है तो मैंने सोचा थोड़ा सा फ्लैशिंग से रिलेटेड भी मैं आपको बता दूँ। और ये जो मसला है मार्केट में बहुत ज़्यादा आ रहा है कि नेटवर्क नहीं आ रहा है, नेटवर्क नहीं आ रहा है तो आप हार्डवेयर सेक्शन पे काम कर जाते हैं। नहीं, पहले आप एक बार सॉफ्टवेयर करके देखो, नहीं होता है तो फिर आप हार्डवेयर करोगे। तो फ्रेंड्स आपको सिंपली लिखना है यहाँ पे स्मार्ट टेलीकॉम SMART। मैं एक सारा प्रोसेस बता रहा हूँ शुरू से, हालांकि आप मेरे वॉच कर रहे हैं तो डायरेक्टली हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बट अगर कोई नया आता है कि सर हमारे चैनल को कैसे सब्सक्राइब करना है, तो देखिए जैसे हमने स्मार्ट टेलीकॉम लिखा है हमारा चैनल सबसे फर्स्ट में शो हो रहा है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है स्मार्ट टेलीकॉम को। 223 वीडियो डल चुके हैं हमारे अभी तक के चैनल में। अब आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा लेना है, जिससे हमारी कभी भी नई वीडियो आएंगी तो आपको बहुत जल्द यहाँ पर मिल जाएगी। तो आई होप ये छोटा सा अपडेट था फ्रेंड्स, और आप हमारे चैनल में जा करके बहुत सारी वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे आप हमारे सब्सक्राइब कर देंगे, देख सकते हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो मैं लाता रहता हूँ, चाहे वो आपका हर एक सेक्शन से रिलेटेड, जैसे देख सकते हैं रेडमी गो नो सर्विस सॉल्यूशंस और बहुत सारे वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूं फ्रेंड्स। तो अगर आप हमारे चैनल को जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा हम आपको भी सपोर्ट करेंगे। तो चलिए ये हमारा फ्लैशिंग चल रहा था फ्रेंड्स, देख सकते हैं अभी 35% हुआ है। तो मैं थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर देता हूँ, जिससे कि अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा और जैसे ही 90-80% पे पहुंचेगा, और परसेंट इसका यहाँ पे शो हो रहा है फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा। और मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज करता हूँ, और क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, और उसके लिए मैं आप जैसे ही 90% होता है तो मैं आपको फिर से आता हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं जैसा कि हमारा 89% हो चुका है फ्रेंड्स। इसके बाद का प्रोसेस क्या है मैं बताता हूँ। इसके बाद का प्रोसेस है कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पे इसकी जेन्युइन आई एम आई राइड करनी होगी, क्योंकि इसके बाद जो हमारी आई एम आई शो नहीं हो रही थी, तो इसके बाद डायग्नोस पोर्ट बना लेगा फ्रेंड्स। इसके बाद जो ये फाइल है, ये फाइल मैं बता दूँ केवल और केवल आपका डायग्नोस पोर्ट को इनेबल कर रहा है फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्नोस पोर्ट हमारा इनेबल नहीं होता है, तो ये फाइल आपके डायग्नोस पोर्ट इनेबल कर देगी। उसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, उसके बाद आपको यहाँ पे इसका जेन्युइन आई एम आई राइट करना है, जैसा कि आपको हम दिखाएंगे। उसके बाद आपको करना है इसकी जो क्यूसन फाइल है रिस्टोर करना है, वो कैसे करना है वो सारा वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो यहाँ हमारी सक्सेस हो चुकी है, डन हो चुका है, ये कम्प्लीटली डन हमारा देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा ये कम्प्लीटली डन हो चुका है। तो ये देखिए हमारा कम्प्लीटली डन हो चुका है, तो हम डाटा केबल से निकालेंगे। अब इसके बाद का प्रोसीजर आपको हम लाइव ही करके दिखाएंगे सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप। इसकी जेन्युइन आई एम आई राइट करनी है, उसके बाद क्यूसीएन को रिस्टोर करना है, बस इतना ही काम है, फाइलों का काम है। तो आपको सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे, तो वीडियो में ऐसे ही बने रहें। तो मैं इसकी आपको आगे का वीडियो दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने देख ही लिया है, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था फ्लैश करके, आपने देख ही लिया फ्रेंड्स। तो उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आपको फिर से फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको उसमें अपना जेन्युइन आपको उसमें आई एम आई राइट करना है फ्रेंड्स, मैं आपको जैसा कि बता दूँ। तो फ्रेंड्स
और आप इसी तरह वीडियो को बने रहें, मैं यहाँ पे जेन्युइन उसकी IMEI दूंगा, क्योंकि जैसे ही आप QCM को चढ़ाएंगे तो आप अगर किसी पर्सनल का QCM ले लेते हैं फ्रेंड, तो उसमें आपका, मैं बता दूँ, आपका दूसरे की IMEI राइड हो जाएगी। तो ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है फ्रेंड्स। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो हमारी फाइल है उसके साथ आपको यहाँ पे टूल भी मिल जाएगा, जिससे कि आप बहुत इजीली तरीके से कर सकते हैं। बट ये तभी पॉसिबल है फ्रेंड, तो मैं आपको बता दूँ, जब तक हमारा डायग्नोस पोर्ट ये नहीं बनाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्नोस पोर्ट हमारा बना लिया, और डायग्नोस पोर्ट क्यों बनाया है उसका रीज़न भी हमने आपको बताया हुआ है पहले, कि जब तक आपका डायग्नोस पोर्ट नहीं बनाएगा तब तक काम नहीं होगा। तो फ़ोन को हमने कनेक्ट कर दिया है, अब हम टूल को सिंपली ओपन करेंगे, टूल को यस करेंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने यस कर दिया है, और उसके बाद फ्रेंड देखिए हमारा ये जो कॉम बना लिया है, तो मैं इसको मिनिमाइज़ कर दूंगा। आप यहाँ पे देखेंगे कॉम हमारा 101, बहुत ही सिंपल तरीके से हमारे यहाँ पे कॉम बना लिया है फ्रेंड। अब सिंपली मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, आपको जो इसका जेनुअन IMEI है वो आपको IMEI देना है। तो इसका ये जेनुअन IMEI था फ्रेंड्स, तो मैं इसका जेनुअन IMEI आपको दोनों में दे दे रहा है। बस सिंपली 1 मिनट के अंदर ही आपका वो हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसको राइट IMEI करेंगे, तो ये आपका देखिए फ्रेंड्स डन हो चुका है, बहुत ही सिंपल तरीके से डन हो चुका है। अब सिंपली आपको इसके आगे का स्टेप हम आपको बताते हैं, कि इसके आगे का स्टेप क्या है और इसके आगे आपको क्या करना है। तो इसके बाद आपको सिंपली फ्रेंड्स, आपको फ़ोन को अब इसमें QCM राइट करनी है, जो कि हमने आपको QCM फाइल भी दिखाई हुई थी। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ कि जो इसकी QCM फाइल है फ्रेंड्स, आपको अब इसको राइट करना है। तो इसको राइट करने के लिए भी क्या प्रोसेस है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ फ्रेंड्स। अब फ़ोन को आपको फिर से डायग्नोस मोड में ही फ़ोन को रखना है, जैसा कि आप देख सकते हैं फ़ोन हमारा डायग्नोस मोड पे ही है। और सिंपली आपको फ़ोन को फ्रेंड्स फिर कुछ भी नहीं करना है, आपको मैं यहाँ पे बता दूँ, अब आपको QPST फिर से खोलना है, जैसा कि आपने देखा है यहाँ पे QPST आपने यहाँ पे देखा ही था। फिर से हम इसको ओपन करेंगे, तो ये फ्रेंड्स आपको कुछ भी नहीं करना है, जो कि ये देखिए QCM फाइल यहाँ पे आपको मिल रही है इस फ़ोन की, प्रॉपर आपको यही फाइल डालनी है, नहीं तो आपका काम नहीं होगा। आपका केवल नेटवर्क शो होता रहेगा या ब्लिंक करता रहेगा फ्रेंड्स, पर आपका नेटवर्क नहीं आएगा या तो सेम डिटेक्ट नहीं होगा। तो चलिए मैं इसको फिर से आपको यहाँ पे करके सारा प्रोसेस दिखाता हूँ। अब ये हमारा काम हो गया है, आपको ये स्टेप बाय स्टेप काम करना है, नहीं तो नहीं होगा। तो अब उसके बाद जैसे ही हमने IMEI उसका जेनुअन IMEI राइट कर दिया है फ्रेंड्स, तो उसके बाद फिर से आप देखेंगे कि हमारा जो पहले आप देख लेंगे कि हमारा डायग्नोस पोर्ट बनाया है कि नहीं। अगर डायग्नोस पोर्ट नहीं बनाया तो आप काम नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए अब यहाँ पे हम जाएंगे टूल में, जाएंगे QCM बैकअप रिस्टोर में जाएंगे, उसके बाद ब्राउज में जाएंगे। ब्राउज में जाने के बाद जहाँ हमारी फ़ाइल रखी हुई है, हमने डेस्कटॉप पे फाइल रखा हुआ है, तो हम डेस्कटॉप पे जाएंगे। उसके बाद सिंपली और सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, फ़ोन हमारा डाटा केबल से कनेक्टेड है, अब सिंपली आपको यहाँ पे रिस्टोर QCM कर देना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा रिस्टोर QCM होने लगा है बहुत ही सिंपल तरीके से। अब ये हमारा, अब आपको फ़ोन को जैसे ही हो जाएगा, फ़ोन को बंद करना है, बैटरी निकालना है, फिर से उसको रिटर्न चालू करना है और आपका नेटवर्क आ जाएगा। अब आता है नहीं आता है, सिम डिटेक्ट होता है नहीं होता है, आप वीडियो में बने रहें लास्ट तक, और मैं आपको लास्ट में बताऊंगा किसकी आप फाइल कहां से डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही इजीली तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से। तो हमारा ये फ्रेंड्स ये रिस्टार सक्सेस हो चुका है, रिस्टोर सक्सेस हो चुका है। अब मैं इस फ़ोन को निकालूंगा, जैसा कि आप देख सकते हैं ये देखिए डाटा केबल में लगा हुआ है फ्रेंड, ये डाटा केबल में डायग्नोस्टिक पोर्ट पे लगा हुआ है, फ़ोन हमारा ऑन कंडीशन में लगा हुआ है आप देख सकते हैं। अब हम इसको डाटा केबल को निकालेंगे, फ़ोन को बंद करेंगे और इसकी बैटरी को हम निकालेंगे, उसके बाद हम आपको अपने दिखाते हैं मोबाइल में कि हमारा काम हुआ कि नहीं फ्रेंड। तो चलिए बने रहें वीडियो में, बस थोड़ा सा और बचा है, देखते हैं इसमें हम सिम लगाएंगे और उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे कि इसमें हमारा काम हुआ कि नहीं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स फ़ोन को हम ऑन करते हैं, जैसा कि आपने देखा हमने डाटा केबल से निकाल दिया है, आप देखते हैं फाइनली कि ये हमारा सोल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ। हमने सिम को लगा दिया है, ये वही सेट है, और जिससे कि आपको लगे कि ये वो सेट नहीं था, तो देखिए शुरू से ये नाम कोई दास करके लिखा हुआ है, तो आप शुरू से देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि इसमें जो था वो दास करके नाम लिखा ही हुआ है, ये वही फ़ोन है। और देखते हैं हमारा ये काम हुआ कि नहीं हुआ फ्रेंड्स। तो जो इसकी जेन्युइन आप काम करके देंगे, और ये मार्केट में बहुत काम आ रहा है, और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, और मैं आज आपके लिए बहुत देर ये वीडियो लेकर के आया, और बाकी बहुत सारे आप वीडियो देखे भी होंगे, कुछ जेन्युइन होते हैं। तो अब ये स्टार्ट हो रहा है, तो थोड़ा सा टाइम लगता था स्टार्ट होने में, क्योंकि फ्लैश भी हुआ है वो सारी चीज़ें, और फाइनली ये भी फ़ोन ऑन हो चुका है।
और फ्रेंड्स देख सकते हैं ये वही फ़ोन है, जियो नेटवर्क आ चुका है जो कि सिम डिटेक्ट नहीं हो रहा था, और ये हमारा काम हो गया है फ्रेंड्स। और इसमें आपको बस थोड़ी सी दिखाना चाहूँगा कि इसमें जो हमारा जेनुअन IMEI था वो भी आ चुका है, तो ये देख सकते हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, ये देखिए जियो का नेटवर्क प्रॉपर तरीके से आ चुका है। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये वही फ़ोन था, सिम इसमें लगी हुई है, आप देख सकते हैं प्रॉपरली तरीके से जियो यहाँ पे लिख करके भी आ रहा है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। तो इसकी जो फाइल है फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ, आपको उस नंबर पे हमें कांटेक्ट करना है। आपको डिस्क्रिप्शन पे नंबर मिलेगा, आपको इस फाइल के लिए हमें उससे कांटेक्ट करना होगा आपको, और ये आपकी जेन्युइन फाइल है, 110% फाइल है। तो उस फाइल के लिए फ्रेंड्स आपको हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आपको हमें कांटेक्ट करना है, और इसमें आप हमें कांटेक्ट करके आपको फाइल मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं ये जो काम था 110% हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।